सर, आज के जनरेशन के लिए जहाँ पे लोग काफ़ी गांधी जी को मानते हैं, उनके आदर्शों को देखे हैं और उसके आदर्शों पे चलते हैं, ऐसे यूथ के सामने गोडसे के बारे में बात करना और उनकी विचार भी सामने लाना, स्पेशली यूथ के लिए, आप कितना रेलेवेंट और कितना ज़रूरी समझते हैं सर? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, बहुत जानना कि हिस्ट्री है उसको झुटलाया नहीं जा सकता, और किसी बात को छुपा के रखने से फिर अलग अलग रूप से वो बाहर फटता है, अलग अलग ख्याल है। तो आई थिंक यूथ का तो हक बनता है जानना सच्चाई क्या है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है आज के वक्त, तो और भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे लोग मिसगाइड कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो यूथ जो है, ये पर्टिकुलरली जैसे सेंसर हुई थी फिल्म, उस टाइम पे सेंसर में भी लोगों ने दो बार दी कि सेंसर बहुत पसंद किया और यूथ सर्टिफिकेट दिया, और यही बोला उन्होंने सेंसर में भी कहा कि राजी ये फिल्म स्कूल कॉलेजेस में दिखाई जाना चाहिए, ये उनका भी विचार था। आई ऑल्सो स्ट्रांगली बिलीव स्कूल कॉलेज में ये फिल्म दिखानी चाहिए, और बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शनेबल बात है ही नहीं फिल्म में, कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है, अश्लीलता नहीं है, गालियाँ नहीं है, झूठी बात नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोवोकिंग बात नहीं कर रहे हैं, ना वायलेंस को उकसा रहे हैं, कुछ नहीं, दोनों अपने अपने विचार, अपने अपने ख्याल रख रहे हैं, उस पर डिस्कशन हो रही है। तो आई थिंक इट्स ए वेरी हेल्दी फिल्म, वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर यूथ एंड फॉर एवरीबडी, फैमिली और फिल्म के लिए भी है, फैमिली के लिए भी ठीक है ये फिल्म, और मनोरंजन करती है, भाषण भी नहीं है पिक्चर में कि सिर्फ लेक्चर कर रहे हैं एक दूसरे का, नहीं, वेरी एंटरटेनिंग सिचुएशन, ट्विस्ट टर्न सब कुछ है पिक्चर में। अभी जैसे कि गोडसे जिन्होंने गांधी को मारा है उसके विचारों को भी आप हाईलाइट कर रहे हैं इस मूवी में, तो पॉजिटिव बातें भी होगी, नेगेटिव बातें भी होगी, तो इसके लिए आप कितना रेडी हैं? किसी को हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, मैं गांधी जी को भी हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, ना गोडसे को हाईलाइट कर रहा हूँ, एज इट इज बेयर फैक्ट सामने रख रहा हूँ, दोनों अपनी बात कह रहे हैं, इसे हाईलाइट क्यों समझ रहे हैं आप, दोनों की बात सामने रख रहे हो, तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन दिस। बिल्कुल दीपक जी, ये मैं पूछना चाहूँगा, सच लाइक इतनी अमेजिंग मूवी के साथ आप काम कर रहे हैं और इतने लेजेंडरी डायरेक्टर के साथ आप आए हैं, आपका पर्सनल टेक अवे क्या है इस मूवी से? नो, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, ऐसा चांस, ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलना, मैं समझता हूँ कि मेरी माँ के आशीर्वाद और भगवान की कृपा है। क्या है कि मेरा ये जब गांधी का किरदार निभाना शुरू हुआ तब मेरी माँ का स्वर्गवास हो चुका था, उसने मुझे कभी नहीं देखा ये स्वरूप में, तो मेरी वाइफ मेरी माँ की फ़ोटो के सामने की प्रार्थना किया करती थी कि अगर आप होती तो बहुत खुश होती, और अभी आप आशीर्वाद दें, भगवान को प्रार्थना करें कि कोई ऐसा लेजेंडरी डायरेक्टर गांधी पर कोई ऐसा सब्जेक्ट बनाए और दीपक को कास्ट करे तो उसकी टैलेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जाए। और मुझे लगता है कि जैसे ये प्रार्थना का जवाब मुझे मिला और ये न्यूज़ ईश्वर ने मेरे सामने रखा और मैंने उसके ऊपर, तो इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। और आज के ज़माने में जब सारे यूथ्स व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इंटरनेट पे जो खुद आधा अधूरा सच झूठ चल रहा है उसको बिलीव करके अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं, उनके लिए ये फिल्म बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सर की ओर से है कंट्री को, जो आई थिंक आने वाली पीढ़ियों तक ये याद रहेगा कि ऐसी कोई फिल्म बनाई थी। सो इट्स अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन, और उसके साथ जुड़ना हो, सर के साथ जुड़ना हो, ये तो ईश्वर की कृपा ही है। बिल्कुल सर, इस मूवी से आपकी डॉटर तनिषा जी भी डेब्यू कर रहे हैं, अभी उनसे हम बात करके आए हैं, उनके साथ मतलब उनको डायरेक्ट करने में कैसा लगा, और सेट पे क्या आप एज अ फादर थे, एज अ डायरेक्टर थे, किस तरीके का शूटिंग रहा उनका? मेरी बेटी ने एक्चुअली डायरेक्शन कोर्स किया है, डिप्लोमा लिया लंदन में, ट्रेनिंग की थी डायरेक्शन, डायरेक्टर बनना चाहती थी, और इस फिल्म के जो डिस्कशन घर में चल रहे थे, नरेशन हो रही थी, तो उसने सुना और उसका कैरेक्टर एक है सुषमा नाम के कैरेक्टर है, तो फिर उसने कहा कि व्हाई डोंट यू ट्राई मी, मेरे ऑडिशन लेंगे, मैं करना चाहती हूँ। तो पहले मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे अजीब लग रहा था कि मैं अपनी बेटी को सेट पर डायरेक्ट कर रहा हूँ वगैरह करके, अब मना कर दिया मैंने, तो कीप्स ऑन इंसिस्ट करती रही वो कि ट्राई करे। तो मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट था कि सेट पर रहे तो बेटी नहीं होना चाहिए, सेट पर एक आर्टिस्ट, सारे आर्टिस्ट हैं, वो भी एक आर्टिस्ट है, तो अगर ये कमिटमेंट देती है तो डेफिनेटली विल कंसिडर। तो उसने कमिटमेंट दिया और उसका एंथुसियाज्म देखा, और मुझे खुशी इस बात की हुई कि आजकल जितनी यंग टैलेंट जो फिल्मों में आना चाहते हैं वो सबसे पहले मन बना लेते हैं ग्लैमरस रोल करेंगे, उनका एम्बिशन होता है हम श्रीदेवी बनेंगे, माधुरी दीक्षित बनेंगे, बड़े हीरोइन बनेंगे वगैरह, स्टार बनेंगे, हीरो स्टार बनेंगे। तो मैं भी हमेशा कहता हूँ कि नहीं, वो वक्त ने चाहा, आप स्टार भी बन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपके अंदर एक आर्टिस्ट होनी चाहिए, जो आर्टिस्ट अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है किसी कैरेक्टर के थ्रू, कैरेक्टर को जिंदा करना चाहता है, चाहे रोल छोटा हो या बड़ा हो। तो अगर जज्बा है तो देन यू कम इन टू द फिल्म, अगर सिर्फ आपको नाम करना है, फैशन वैशन करना है, तो और माध्यम है, और जगह जा सकते हैं। तो उससे मुझे प्रॉमिस किया कि नो, शी विल गिव हर बेस्ट, शी बिलीव्स इन इट। तो ये फिल्म उसके लिए नहीं बनाई है, ना उसको लॉन्चिंग व्हीकल में कहूँगा, तो गांधी गोडसे की फिल्म है, तो उसके अभी देखिए आप, हालांकि मैं खुद प्रोड्यूसर भी हूँ, बनाई फिल्म, बट उसके एक भी तस्वीर नहीं है पब्लिक
पब्लिसिटी, किसी बैनर या किसी पोस्टर में। फिल्म जाके देखेंगे तो फिल्म में उसका काम देखेंगे, और मुझे यकीन है जितने लोगों ने भी देखी है और आप भी देखेंगे, लोग देखेंगे, पसंद करेंगे उसका काम अच्छा क्या होता है। राज सर, आप मेरे साथ हैं और मैं अंदाज़ अपना अपना की बात ना करूँ तो ये तो बोलते हैं नाइंसाफी होगा सर। काफ़ी सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स है कि सीक्वल बनेगा नहीं बनेगा, आप क्या कहना चाहेंगे फैंस को कि क्या कभी रीमेक या सीक्वल ऐसा कुछ आपके दिमाग में है अंदाज़ अपना अपना को लेके? देखिए, उसके सारे राइट्स तो मेरे पास ही है एग्रीमेंट के हिसाब से, लेकिन मैं सीक्वल अगर मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि अंदाज़ अपना अपना मेरा क्रिएशन है, हर कैरेक्टर मैंने क्रिएट किया है, चाहे वो क्राइम मास्टर गोगो हो, राम गोपाल बजाज, श्याम गोपाल बजाज, अमर, प्रेम, रॉबर्ट, सब भल्ला वल्ला सब मैंने बनाए, मेरे क्रिएट कैरेक्टर है, ये बन गई पिक्चर। अभी दोबारा उसी को आगे बढ़ाऊँ उसी का मैं विश्वास नहीं करता हूँ। बहुत सारी कहानियाँ हैं कहने के लिए, कॉमेडी भी एक वर्कआउट किया है मैंने, दिवाली के वक्त अनाउंस करूँगा उसको। सेम स्टाइल की पिक्चर, सेम जॉनर की पिक्चर, उसी अंदाज़ अपना अपना स्टाइल में, दो यंग लड़के होंगे, दो यंग स्टार होंगे, दो यंग लड़कियाँ होगी, बट इट इज़ नॉट एक्सटेंशन ऑफ अंदाज़ अपना अपना, अलग कॉमेडी है। मुमकिन है कि उससे बेहतर कॉमेडी बन जाए, या उससे कमज़ोर हो, या उसके बराबर हो, आई डोंट नो। फिल्म बनाते वक्त हम बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं फिल्म पे, और पूरी टीम मेहनत करती है, फिर कैसे टर्न आउट होता है वी डोंट नो, लेट्स सी, वेट एंड वॉच। बट डेफिनेटली उसी लेवल पे कॉमेडी एक प्लान कर रहा हूँ मैं, दिवाली के आसपास मैं अनाउंस करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, वी आर एक्साइटेड। एंड सर, जाने से पहले दीपक जी, एज एन एक्टर आप किस तरीके के रोल या जॉनर में आप आना पसंद करेंगे? अब तक खाली मेनली आपके गांधी जी वाला अवतार को काफ़ी लोगों ने देखा है, काफ़ी वाइड रीच रहा है, बट एज एन एक्टर किस तरीके के रोल आप करना चाहेंगे एज एन एक्टर? हाँ, हर तरह के रोल करना चाहूँगा। मैंने गांधी जी के अलावा भी काफ़ी काम किया है, अदर देन गांधी जी रोल्स भी किया है, तो मुझे यही है कि मैं गांधी के लिए टाइप कास्ट ना हो जाऊँ, और एज एन एक्टर आई कैन डू एनी काइंड ऑफ रोल्स। बिल्कुल सर, जाने से पहले व्हाट आर योर पार्टिंग वर्ड्स, क्योंकि 26 जनवरी एक डेट है जहाँ पे गांधी घोर से एक युद्ध आने वाली है, क्या कहना चाहेंगे फैंस को? मैं बिल्कुल हाथ जोड़कर लोगों से विनती करूँगा कि वो फिल्म देखने ज़रूर आए, पूरे परिवार के साथ आए, लेकिन प्री कंसीव्ड एक नोशन, एक ऑलरेडी सोची समझी, एक कोई थॉट लेके नहीं आए, कि ट्रेलर को देखकर कोई विचार या लोगों की बातें सुनकर न आए, बिल्कुल ओपन माइंड के साथ आए फिल्म देख। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ निराश नहीं होंगे, बिल्कुल निराश नहीं होंगे, खुश होकर जाएंगे। यही अभी तक जितने लोगों ने देखी है, जो भी प्रीव्यू में रिपोर्टिंग यही आया, बट शर्त यह है मेरी कि ज़रूर देखिए पिक्चर, बट विद ओपन माइंड, कि आप किसी का पक्ष लेके मत देखे कि हम गोडसे के फॉलोवर, आप देखे गांधी को क्या दिखाया, गोडसे को क्या दिखाया, उसके ऐसे नहीं देखे, ओपन माइंड से, तब पिक्चर बहुत अच्छी लगेगी आपको, निराश नहीं होंगे आप। दीपक जी, क्या ऐड करना चाहेंगे आप? यही जो सर ने क्या कहा कि ओपन माइंड से देखें, सबके साथ में देखें, देखने के बाद इसके ऊपर डिबेट हो, जो लगता है वो सोशल मीडिया पे और अपने अपने प्लेटफॉर्म पे उसका पब्लिसिटी हो, ताकि वो और लोगों तक पहुंचे, क्योंकि कोई भी पब्लिसिटी से अच्छी माउथ पब्लिसिटी है, तो जितनी माउथ पब्लिसिटी देखने के बाद लोग करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर इंडियन के तक पहुँचना चाहिए। राजन, एक सवाल में से पूछना रह गया था कि 25 तारीख को पठान आ रही है जो YRF की मूवी शाहरुख सर है, तो ये आपने 26 जनवरी पहले से ही सोच के रखा था या अभी आप डेलिबरेटली 26 जन को आ रहे हैं? सी, हमारे पास दो तीन ऑप्शन थे, एक ऑप्शन तो 2 अक्टूबर का था, पहले सोचा 2 अक्टूबर को रिलीज कर सकते हैं, लेकिन हमारी पोस्ट प्रोडक्शन में काफ़ी टाइम लग गया, तो मिस कर गए हम लोग 2 अक्टूबर। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट डेट थी 30 जनवरी, जिस दिन गोली मारी थी गांधी जी के दिन, तो मैंने कहा चलो 30 जनवरी का डेट रख लेते हैं हम लोग, तो 30 जनवरी जो है इसी वीक में, 26 जनवरी के वीक में ही 30 जनवरी आती है, देन वी डिसाइडेड कि नो विल गो हेड 26 जनवरी। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, इट वॉज अ लवली इंटरेक्शन विथ यू सर, एंड ऑल द बेस्ट नॉट ओनली फॉर गांधी गोडसे सर एंड ऑल योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, थैंक यू। सो दिस वॉज राजकुमार संतोषी सर एंड दीपक जी फॉर द अपकमिंग मूवी गांधी गोडसे एक युद्ध। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन एंड हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर द मूवी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फॉर मोर न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड डिजिटल एंड टेलीविजन, कीप वॉचिंग टेली चक्कर। नमस्ते, मेरा नाम राजकुमार संतोषी है और आप मुझे टेली चक्कर में देख रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम दीपक अंताणी है और आप मुझे देख रहे हैं टेली चक्कर में। Know all about the tele world by subscribing to Tele Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.